हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिति स्टडी हब। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ASP.NET के अंदर, वो है कैसे हमने ड्रॉप शेडो एक्सटेंडर को यूज़ करना है जो कि हमारे पास एजेक्स की जो टूल किट है उसमें अवेलेबल है। तो अगर आपको नहीं पता कि एजेक्स की टूल किट को कैसे डाउनलोड करते हैं और कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो हमारे ही चैनल के ऊपर एक वीडियो ट्यूटोरियल जो है ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उस वीडियो ट्यूटोरियल को ज़रूर देख लें और अपने पीसी के ऊपर जो है एजेक्स की टूल किट को इंस्टॉल कर लें और डाउनलोड कर लें। तो चलिए, ये एक काफ़ी अच्छा एक एक्सटेंडर कंट्रोल है, ड्रॉप शेडो एक्सटेंडर। तो ये मेरे पास एक रनिंग एग्जांपल है, नेम से आपको पता चल ही गया होगा कि ये टॉपिक किस चीज़ के बारे में है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो पैनल है ग्रीन कलर का, उसके साथ मैंने जो है ड्रॉप शेडो एक्सटेंडर को जो है अटैच किया हुआ है। उसी की हेल्प के साथ यहाँ पे जो है ब्लैक कलर की जो शेडो है आप देख रहे हैं। तो यही आज का बेसिक टॉपिक है, आज की यही एग्जांपल है कि इस शेडो को कैसे डिस्प्ले करना है विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप शेडो एक्सटेंडर। तो काफ़ी सिंपल कंट्रोल है और काफ़ी यूज़ होता है वेबसाइट्स के अंदर, वेब प्रोजेक्ट्स के अंदर, अपने डिज़ाइनिंग को और भी अच्छा इम्प्रूव करने के लिए। तो चलिए इस प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देते हैं और इस पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज़ कर देते हैं, एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं, न्यू वेबसाइट, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे विजुअल सी शार्प और यहाँ से ASP.NET Empty वेबसाइट। यहाँ पे आप जो है वेब लोकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। वेब लोकेशन बेसिकली पाथ होगा, आपके फोल्डर का नेम होगा, जिसके अंदर आपका जो सारा सोर्स कोड है वो आपके पीसी के अंदर किसी एक जगह के अंदर जो है सेव होके रहेगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली अपने फोल्डर का नेम लिख देता हूँ, ड्रॉप शेडो एक्सटेंडर 2। तो चलिए ओके के ऊपर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर मेरा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। तो चलिए इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं माउस की हेल्प के साथ, ऐड करते हैं ऐड न्यू आइटम, और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे विजुअल सी शार्प, यहाँ से वेब फॉर्म। यहाँ पे आप जो है वेब फॉर्म का नेम असाइन कर सकते हैं, मगर मैं डिफ़ॉल्ट नेम ही रहने देता हूँ और इसको ऐड कर देता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो अब आप देख सकते हैं जो मेरा ब्लैंक वेब फॉर्म है वो क्रिएट हो चुका है। तो चलिए इसके डिज़ाइन के अंदर चलते हैं और सबसे पहले इसका जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं सबसे पहले जो कंट्रोल यूज़ करूँगा टूल बॉक्स में से, वो है लेबल कंट्रोल। तो लेबल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं, मेरा लेबल जो है इंसर्ट हो चुका है वेब फॉर्म के ऊपर। और प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम चेंजेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हरिति स्टडी हब। तो ये जस्ट चैनल की प्रमोशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली जो है टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली वीडियो ट्यूटोरियल जो है अपलोड करते रहते हैं। तो उससे आपको जो है प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और साथ में जो आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी है वो और भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि हम जो भी टीचिंग है लाइव एग्जांपल के थ्रू ही करते हैं और साथ में आपको जो है सारा सोर्स कोड भी प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए टूल बॉक्स में से एक और लेबल को इंसर्ट करते हैं अपने वेब पेज के ऊपर, और इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके अंदर हम लिख देते हैं यूज़ अपने प्रोजेक्ट का हेडिंग, यूज़ ड्रॉप शेडो एक्सटेंडर यूजिंग एजेक्स ASP.NET और सी शार्प। तो चलिए यहाँ से जो है आप फॉर कलर भी इसका चेंज कर सकते हैं, मैं यहाँ पे जो फॉर कलर है वो रेड कर देता हूँ। अब हमने यहाँ पे जो है आपको एक बात बता दूं कि जब भी आपने एजेक्स की टूल किट को यूज़ करना है या एजेक्स की टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कंट्रोल है आपको यूज़ जो करना ही पड़ेगा वो है स्क्रिप्ट मैनेजर। तो एजेक्स की एक्सटेंशन के अंदर जाइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एजेक्स की एक्सटेंशंस हैं, और इसके अंदर जो कंट्रोल आपको मस्ट यूज़ करना पड़ेगा एजेक्स की टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, वो है स्क्रिप्ट मैनेजर। तो स्क्रिप्ट मैनेजर ऊपर डबल क्लिक करके इसको सिंपली जो है इंसर्ट करते हैं अपने वेब पेज के अंदर।
तो इसका फंक्शन इतना ही है कि जितनी भी एजेक्स के रिलेटेड फंक्शनैलिटी है वो सारी फंक्शनैलिटी जो है इंपोर्ट करने का काम आपकी वेबसाइट के अंदर यही कंट्रोल करता है स्क्रिप्ट मैनेजर। तो जब भी आपने वेब पेज के अंदर एजेक्स की टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है तो आपको स्क्रिप्ट मैनेजर जो है यूज़ करना ही पड़ेगा। तो चलिए अब टूल बॉक्स में से एक कंट्रोल यूज़ करते हैं जिसका नेम है पैनल। तो पैनल को डबल क्लिक करके इंसर्ट करते हैं अपने वेब पेज के अंदर और इसको थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं यहाँ से। और अब हमने इसका जो बैकग्राउंड कलर है प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाकर इसका जो बैक कलर प्रॉपर्टी है उसके थ्रू जो है चेंज करना है। यहाँ पे मैं ग्रीन कर देता हूँ। और अब हमने इसके अंदर जो है क्लिक करके दो बार एंटर करना है और दो बार यहाँ पे स्पेस प्रोवाइड करनी है। और टूल बॉक्स में से सॉरी टेबल में से टेबल में से यहाँ पे एक टेबल को इंसर्ट करेंगे और उसकी नंबर ऑफ़ जो रोज़ होंगी वो होंगी टू, जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे वो होंगे टू। अब हम यहाँ पे सिंपली ओके के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टेबल जो है मेरा पैनल के अंदर जो है इंसर्ट हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं यहाँ से और इस साइड से भी थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं। और अब हमने इसके जो अलाइनमेंट है उसको सेंटर करना है ताकि ये सेंटर में अलाइन हो जाए। अब हम यहाँ पे जो है अपना जो एक यहाँ पे लिखेंगे योर नेम और इसको थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं और यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट करेंगे टूल बॉक्स में से। तो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट बॉक्स भी आ चुका है। अब हम यहाँ पे जो है एक बटन को इंसर्ट करेंगे यहाँ से और बटन को थोड़ा सा रीसाइज़ करने के बाद जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर चेंजेस करेंगे। सबसे पहले टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर लिखेंगे सबमिट और उसके बाद में जो बैक कलर है इसके अंदर हम जो है कलर अपना चेंज कर सकते हैं बटन का। तो मैं यहाँ पे ऑरेंज कलर कर देता हूँ और अब मैं यहाँ पे एक लेबल को इंसर्ट करूँगा ताकि सबमिट करने के बाद जो है डेटा को मैं डिस्प्ले करवा सकूँ इस लेबल के अंदर। तो इसीलिए अभी इसकी जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसको ब्लैंक कर देते हैं। और अब हम इसको इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो करेंगे यहाँ से और ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो बॉर्डर प्रॉपर्टी है उसके अंदर 1 लिख के एंटर करना है ताकि इसकी जो लाइंस हैं वो थिक हो जाएं इस टेबल की। और इस टेबल को थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं। अब हमारा जो डिज़ाइनिंग वाला पार्ट है बिल्कुल तैयार है। सबमिट के ऊपर डबल क्लिक करके कोडिंग करेंगे। जस्ट सिंगल लाइन की कोडिंग है लेबल 3 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू योर नेम इज़, इसको कॉन्कैटिनेट करेंगे आपके टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू के साथ। और चलिए ये कोडिंग भी हमारी हो चुकी है। अब हमने जो है आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो यूज़ करना है जिसका नेम है ड्रॉप शेडो एक्सटेंडर। तो ड्रॉप शेडो एक्सटेंडर बेसिकली शेडो प्रोवाइड करता है किसी भी कंट्रोल के साथ। तो उसके लिए आपको एजेक्स की टूल किट को यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं जो एजेक्स की टूल किट है वो 15.1 वर्जन यूज़ किया है। तो इसके अंदर जो मैंने कंट्रोल यूज़ करना है वो है ड्रॉप शेडो एक्सटेंडर। तो यहाँ से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं मगर जो सिंपल वे है यूज़ करने का वो है इस पैनल को सिलेक्ट कीजिए और इसके बाद में यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए ऐड एक्सटेंडर। और अब हमने यहाँ से जो है ड्रॉप शेडो वाला जो एक्सटेंडर है उसको सिलेक्ट करना है और सिंपली ओके के ऊपर क्लिक करना है। और जैसे ही हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली जो ड्रॉप शेडो है वो अप्लाई हो जाएगा हमारा इस पैनल के ऊपर। और यहाँ पे सोर्स कोड के अंदर आप देख सकते हैं ड्रॉप शेडो वाली कोडिंग जो है अपने आप आ चुकी है और इसका जो टारगेट कंट्रोल आईडी है वो भी पैनल 1 के ऊपर सेट हो चुका है। अब हमने दो प्रॉपर्टीज़ और हैं जो इसके साथ में, दो तीन प्रॉपर्टीज़ और हैं जो इसके साथ में हमने सेट करनी है। सबसे पहले ओपेसिटी है और इसको हमने वैल्यू प्रोवाइड करनी है 0.8। उसके बाद में हमने यहाँ पे राउंडेड एक प्रॉपर्टी है उसके जो प्रॉपर्टी उसके अंदर हमने ट्रू करना है। और उसके बाद में एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है ट्रैक पोजीशन, इसको भी हमने जो है ट्रू करना है। तो ये कुछ दो तीन प्रॉपर्टीज़ हैं एट्रीब्यूट्स हैं जिनकी हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको कॉपी के ऊपर जो है नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टूडेंट्स कोडिंग भी हो चुकी है, प्रोजेक्ट भी रेडी है, डिज़ाइनिंग वाला पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, ड्रॉप शेडो एक्सटेंडर भी अप्लाई हो चुका है हमारे पैनल के ऊपर। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं एक बार।
तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं मेरा जो प्रोजेक्ट है वो रन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पैनल के साथ जो है शेडो जो है वो डिस्प्ले हो चुकी है। तो इस तरीके की शेडो आप बड़े ही इजी वे के साथ आज आपने सीखा कि अप्लाई कर सकते हैं ड्रॉप शेडो एक्सटेंडर की हेल्प के साथ। तो चलिए यहाँ पे कोई एक नेम एंटर करके देख लेते हैं, और जैसे ही मैं सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं मेरा जो मैसेज है वो डिस्प्ले हो चुका है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आपको पता चल गया है, आपको समझ आ गई है कि ड्रॉप शेडो एक्सटेंडर होता क्या है, कैसे हमने इसको अपने वेब प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करना है, तो जल्दी से लाइक बटन को प्रेस कीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं मगर लाइक को बटन को प्रेस नहीं करते। तो लाइक से जो है मुझे पता चलता है कि कितना टॉपिक जो है आपको समझ आ गया है। तो इसलिए जल्दी से जल्दी लाइक को प्रेस कीजिए ताकि आप मुझे आपका जो फीडबैक है वो पहुंच सके। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप कोई भी आइडिया मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट के थ्रू या मेल के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सीखते रहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। और थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।